ईसीआई सेंटरों में रहने वाले बच्चों की लॉकडाउन के दौरान शिक्षा बाधित ना हो, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 15 दिसंबर 2020 को विशेष आदेश पारित किए गए थे, जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे सेंटरों से उनके घरों में भेजे गए थे और उनके अभिभावक उनको पढ़ाने में सक्षम नहीं है, ऐसे बच्चों की शिक्षा खराब ना हो, इसके लिए आदेश के अनुसार ये कहा गया था कि इन बच्चों की आर्थिक स्थिति का पता लगाकर इन बच्चों को प्रति माह 2000 रुपए पढ़ाई से संबंधित सामग्री की पूर्ति के लिए दिए जाए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 30 दिन के अंदर राज्य सरकारों को ऐसे बच्चों का ब्यौरा देना था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आदेश 15 दिसंबर 2020 को दिया गया वह सीएमसीटी में 21 जनवरी को पहुंचा, यानी 36 दिन देरी से पहुंचने के बाद संबंधित विभाग जागा और तुरंत संबंधित विभाग से बैठक कर आदेशों की पालना को कैसे सुनिश्चित किया जाए इस पर काम करना शुरू कर दिया। बताते चले कि आदेशों के अनुसार जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के लिए टीचर किताबें व अन्य सामग्री जो उनकी शैक्षणिक जरूरतों को पूरा कर सके, इसके लिए ये राशि उपलब्ध करानी थी। हैरानी की बात यह है कि जिन आदेशों की पूर्ति 30 दिन के अंदर करनी थी, जब वह आदेश पहुंचे ही 36 दिन लेट, तो कैसे इन आदेशों की पूर्ति संभव हो पाएगी और जरूरतमंद बच्चों को उनकी शिक्षा संबंधी सामग्री मिल पाएगी। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुओ मोटो रिट पिटीशन सिविल 4 के तहत 15/12/2020 को एक जजमेंट दी गई थी, जिसके तहत यह कहा गया था कि ऑल ओवर सीसीआईस में जितने भी बच्चे रह रहे हैं लॉकडाउन की अवधि के दौरान, उन बच्चों में से कितने बच्चों को रीस्टोर किया गया है और लॉकडाउन के दौरान उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जो बच्चे पढ़ाई का बोझ नहीं उठा पा रहे या जिनके अभिभावक उनको पढ़ाई करवाने में सक्षम नहीं है, उनको सरकार के द्वारा प्रत्येक बच्चे को 2000 रुपये मंथली उसकी शैक्षणिक जरूरतों की पूर्ति के लिए दिया जाएगा। इसमें से मैं आपको बता दूं, इसमें बुक्स, ट्यूटर, कंप्यूटर के अलावा अन्य जो भी बच्चों की आवश्यकता है, इन सबको पूरा करना था। कुल मिलाकर 2 लाख से अधिक बच्चे ऑल ओवर सीसीआई में रह रहे थे, जिसमें से 1 लाख समथिंग बच्चों को, 1 लाख कुछ बच्चों को रिस्टोर कर दिया गया था। करनाल जिले में इस जजमेंट को लेकर क्या स्थिति रही है, कितने बच्चों को रिस्टोर किया गया और कितने बच्चों के लिए फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है और कितने बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प दी गई है और उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए विभाग द्वारा क्या प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि इसकी ड्यूटी लगाई गई थी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अध्यक्ष को, उनके द्वारा 30 दिन के भीतर भीतर उन्हें अपनी रिपोर्ट को राज्य सरकार को पेश करना था। और इस करनाल में क्या स्थिति रही इस सारे नोटिफिकेशन के बाद, मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है करनाल की DCPU रीना जी। रीना मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि 15/12/2020 को सुप्रीम कोर्ट की ने एक जजमेंट दी थी, नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसके तहत बच्चों की लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे सीसीआई में रह रहे हैं उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो, उसके लिए कहा गया था कि 2000 रुपये प्रति मंथ देने हैं बच्चों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए। मैम, करनाल जिले में इस नोटिफिकेशन को आए कितने दिन हो गए और अब तक कितना को काम हो चुका है? सर, ये नोटिफिकेशन दिनांक 21 को हमें मिली है डिपार्टमेंट के थ्रू, और इस पे हमने कार्रवाई अमल में लाते हुए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के सहयोग से एक मीटिंग बुलाई गई थी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा CWC ऑफिस में ही, और उसी पे विचार विमर्श करते हुए जो भी हमारी संस्थाएँ हैं जो नीड एंड केयर की या कन्फ्लिक्ट विद ला के जो बच्चे हैं, 6 संस्थाएँ हैं, तो उनमें जो बच्चों के लिए जो एक्स्ट्रा क्लासेज के लिए ट्यूटर की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर से सहयोग समन्वय स्थापित करके, तो लगभग हमारे द्वारा 17 PGT टीचर्स की ड्यूटी अलग अलग CCIs में लगवा दी गई है बच्चों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, चाहे मैथ का टीचर उन्हें चाहिए, चाहे साइंस का चाहिए, इंग्लिश का चाहिए, सोशल साइंस का चाहिए या हिंदी का ट्यूटर चाहिए। तो टोटल 17 टीचर्स की ड्यूटी तो लगवाई गई है अलग अलग CCIs में PGT टीचर्स की, और 6 जो 6 to 8 तक के बच्चे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के, 6 टीचर्स की उनकी ड्यूटी MDDO शरदानंद में अलग अलग लगवाई गई है, ताकि बच्चों को अगर एक्स्ट्रा क्लासेज की नीड है तो उनकी एजुकेशन पर कोई भी बाधित ना हो, वो उनकी ड्यूटी लगवा दी गई है। मैम, जैसे जजमेंट में ये कहा गया था कि 15/12/2020 की नोटिफिकेशन 30 डेज के भीतर भीतर ये रिपोर्ट आपको राज्य सरकार को पेश करनी थी, लेकिन आपका कहना है कि आपको बीती 21 तारीख को ये मिली है, यानी कि तकरीबन 35 दिनों के लंबे अंतराल के बाद आपको ये मेल मिली, इसके पीछे क्या बेसिक रीज़न रहा होगा? सर, ये डिपार्टमेंट से ही हमें मिली है और इस पर हमने अभी जल्द से जल्द कार्रवाई अमल में लाते हुए ही अभी तक 66 हमारे जो बच्चे हैं जो CNCP के हैं, जो लॉकडाउन के दौरान हैंडओवर किए गए हैं, पेरेंट्स को रिस्टोर किए गए हैं, जिसमें से
लगभग 55 बच्चे हैं जो कि हरियाणा के हैं और 11 जो बच्चे हैं वो अदर स्टेट के बच्चे हैं। और इसमें जैसे जजमेंट में कहा गया है कि फाइनेंशियल असिस्मेंट हमें करनी है कि उन बच्चों को अगर पैसे की वजह से वो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो वो हमें डिपार्टमेंट को भेजनी है, तो उसके हमने कार्रवाई अमल में लाते हुए जो अदर डिस्ट्रिक्ट के अदर स्टेट के बच्चे रिस्टोर हुए हैं वहाँ के कंसर्न DCPO को लेटर लिख दी गई है कि भाई वो फाइनेंशियल असेस्ड फैमिली का करके वो रिपोर्ट दें ताकि डिपार्टमेंट को की जाए। और जो करनाल डिस्ट्रिक्ट के हैं वो करनाल डिस्ट्रिक्ट के लिए जो अब मेरे ऑफिस का स्टाफ है, सोशल वर्कर है, आउटरीच वर्कर है, प्रोटेक्शन ऑफिसर है, तो उनकी ड्यूटी लगा दी गई है कि वो फैमिली का असेसमेंट करे कि कौन बच्चा स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा, अगर नहीं जा रहा तो वो किस वजह पैसे की वजह से नहीं जा पा रहा है, तो उसकी रिपोर्ट जैसे ही जल्द से जल्द हमें मिलेगी तभी तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए विभाग को लिख दिया जाएगा ताकि बच्चों को पैसे मिल सके और वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। असेसमेंट कितने दिनों में पूरे होने के आसार हैं? सर हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द, क्योंकि 15 या 20 दिन तक दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को भी हमने जल्द से जल्द के लिए ही लिखा है वो कब तक प्रोवाइड कराते हैं, और अपनी डिस्ट्रिक्ट का मेरे है कि मैं कम से कम 15 दिन के अंदर अंदर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उन बच्चों के SIR वगैरह करवा के और जल्द से जल्द रिपोर्ट विभाग को भेजें। ये हमारे साथ DCPO मैम रीना, मैं आपको बता दूं कि 15-12 की नोटिफिकेशन इनको 21 जनवरी को मिलती है, तकरीबन 36 दिनों की देरी के बाद इनको मिलती है, लेकिन जैसे इनको वो मेल मिली है, जैसे इनको नोटिफिकेशन की जानकारी मिली, इन्होंने तुरंत प्रभाव से मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद 55 बच्चे, मैं आपको बता दूं 55 बच्चे जो कि हरियाणा के थे उनको यहाँ करनाल के जो अलग अलग CCI सेंटर्स में रह रहे थे वहाँ 55 बच्चे हरियाणा के थे जिनको रिस्टोर किया गया था, 11 बच्चे अदर स्टेट और अदर डिस्ट्रिक्ट के थे। अब इनका ये कहना है कि इनकी टीम हरियाणा के बच्चों की फाइनेंशियल असेसमेंट के लिए तैयारी कर रही है और वो कर भी कर रही है, और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे रह रहे हैं, जो 11 बच्चे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के थे या अदर स्टेट के थे, उनको उनके DCPO को भी लिख दिया गया है कि जल्द से जल्द उनके बच्चों पेरेंट्स की फाइनल असेसमेंट की रिपोर्ट तैयार करके भेजें ताकि अगर किसी भी बच्चे की आर्थिक तंगी की वजह से शिक्षा बाधित हो रही है तो उस बच्चे को तुरंत प्रभाव से वो फाइनेंशियल हेल्प मुहैया करवाई ताकि उसकी शिक्षा बाधित ना हो। इसके अलावा करनाल में जितने भी बच्चे हैं, करनाल के सेंटरों में जितने बच्चे रह रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देने के लिए टीचर्स का प्रबंध कर दिया गया है, जिनका शेड्यूल भी इनके द्वारा बना दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी के साथ इनकी विशेष तौर पर वार्ता हुई थी, विशेष तौर बैठक के बाद इन्होंने संयुक्त रूप से यह फैसला लिया था, और कुछ जो PGD टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है, और वो आज से ही यानी कि 1 फरवरी से ही बच्चों को 2 बजे के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस भिन्न भिन्न टाइम में देना शुरू कर देंगी। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.